मेरे पे शिकन है कहीं ना कहीं की गाड़ी फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है यहाँ पे। और एकदम से ऊंची ऊंची चढ़ाई पे हम जा रहे हैं और पीछे का एकदम से व्यू दिखाएंगे आपको, तो आप भी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हम किस जगह पर हैं। और आपको ले चलते आगे, जो है चढ़ाई जारी है हमारी और हम लगातार इस पहाड़ पे चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो है व्यू एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए इस तरीके का व्यू है और जयपुर के जो घर हैं कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली हम विशाल भाई के साथ में आज हम आए हैं और ये ऊपर जो मंदिर दिख रहा है, उस मंदिर में आपको हम भगवान के दर्शन करवाने वाले हैं। तो फाइनली सूर्य मंदिर पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और देखिए पूरा जो जयपुर है किस तरीके से कितने छोटे छोटे घर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और मेरे साथ विशाल आए हैं और ये देखिए जो मंदिर है सूर्य मंदिर इस तरीके से दिखता है। और अगर आपको दिखाना चाहूँ कि किस तरीके की चढ़ाई से चढ़कर हम बाइक लेकर आए हैं तो आपको देखो मैं दिखाना चाहूँगा इस तरीके की चढ़ाई। देखिए पीछे आपको शायद नज़र आ रहा होगा वहाँ पर रोड है, एकदम ढलान वाला रोड है, उससे चढ़कर हम यहाँ पर आए हैं और फाइनली सूर्य मंदिर में हम आए हैं और यहाँ के हम आपको भगवान के दर्शन करवाने वाले हैं। देखिए पंडित जी हैं यहाँ पर और मेरे दोस्तों तिलक लगा रहे हैं। और वाकई जो है पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है आपको भी एक बार कम से कम विजिट करना चाहिए, बहुत सुकून देने वाली जगह है। और मुझे तो यहाँ पे आके सीरियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपको भी मैं इनवाइट करूँगा कि आप भी एक बार आएँ। आप मंदिर आएंगे तो यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी और वाकई बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। और आपको यहाँ पे आओ तो एक बार हनुमान जी के दर्शन भी कर लेने ही चाहिए। पंडित जी की तरफ से हमको खीर मिली है और वाकई में खीर मेरी फेवरेट है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों दोस्त जो हैं यहाँ पे खीर का आनंद ले रहे हैं, सूर्य मंदिर पे हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप पूरा जयपुर है और जयपुर किस तरीके से, जयपुर के घर हैं बिल्कुल डिब्बे की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पूरे जितना भी जयपुर है और आप इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उधर एक हाईवे भी है जो दिल्ली नेशनल हाईवे है वो है, और उसके पीछे मेरे पीछे जो वहाँ पे देख सकते हैं आप जयपुर भी लिखा हुआ है। और सूर्य मंदिर के यहाँ का नज़ारा है वाकई में बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक्चुअली कुछ लोग फोटोग्राफी के लिए भी आए हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं जो लोग हैं फोटोग्राफी कर रहे हैं। और मंदिर वाकई बहुत अच्छा है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शांति वाली एक जगह है, तो शांति वाली पैलेस मैंने लास्ट टाइम आपको अक्षरधाम दिखाया था, उसके बाद में हम अभी यहाँ पर हैं और मेरे दोस्त विशाल भी मेरे साथ हैं और पूरी जगह को हम फील कर रहे हैं और वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है आज। अभी थोड़ी देर पहले हमने पंडित जी के यहाँ खीर भी खाई थी। राजस्थान विधानसभा के पास स्टेचू सर्किल पे बिड़ला ऑडिटोरियम में हम हैं और ये देखिए बिड़ला ऑडिटोरियम पे किस तरीके का आपको व्यू मिलने वाला है। अगर आप फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी जगह का चुनाव करना चाहते हैं, एक फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी जगह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत ही प्यारी हो सकती है। देखिए मेरे पीछे कितना ग्रीनरी वाला एरिया है और इधर फोटो के लिए बहुत फोटोजेनिक एक जगह है। और आप इसको देखिए मेरे पीछे जो है इसको देखेंगे तो एक तरीके से जो ताजमहल की शेप है उस तरीके का ये इस आकृति में ये सब बना हुआ है। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया जगह साबित हो सकती है आपके लिए। और ये जगह जयपुर में ही है और कहीं आपको जाना नहीं है, स्टेचू सर्किल के पास बिड़ला ऑडिटोरियम में ये जगह है।